वेलकम टू न्यूज़ बॉबी ट्यूब चैनल, जहाँ हम बात करने वाले हैं कि आप SBI का जो जनधन खाता है या फिर आपका SBI का सेविंग अकाउंट है, आप उसमें अपने बैलेंस को कैसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या फिर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आप अपने मोबाइल नंबर को खाते में कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हो, साथ में अपने आधार कार्ड को भी कैसे लिंक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये काम आपको घर बैठे ही करना है। आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जोड़ देकर वीडियो को स्किप ना करें। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें। जहाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने जनधन खातों में पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। ज़्यादातर खाता धारक अभी भी बैलेंस पता करने के लिए अपने बैंकों की ब्रांच में जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में लोगों का बैलेंस जो है पता कर पाना जो है संभव नहीं है। ऐसे में हम बता रहे हैं कि आपको बेहद आसान तरीका, सिर्फ एक मिस कॉल से भी आप अपने जो है खाते की जानकारी जान सकते हैं, बैलेंस की, कि आपके खाते में कितना बैलेंस पड़ा है। जहाँ तो साथ में अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, आप मोबाइल नंबर को भी कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जहाँ तो SBI ने शुरू की है यह सुविधा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाताधारकों के लिए ये सुविधा शुरू कर दी है कि कोई भी जनधन खाताधारक 1800-4253-800 या फिर 1800-11-22-11 पर कॉल करके अपना बैलेंस जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खाताधारक को अपने रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से यहाँ पर कॉल करना है और आप एक बार में अपने 5 ट्रांजैक्शनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जहाँ दोस्तों, यानी कि आप अपनी मिनी स्टेटमेंट की जानकारी भी इन नंबरों पर कॉल करके, दोनों नंबरों पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। जहाँ दोस्तों, या तो आप पहले वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस वाले नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही आप कॉल करोगे तो आपका जो है, कॉल करने के बाद आपका ऑटोमेटिक ही आपका जो है फ़ोन कट जाएगा और उसके बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका बैलेंस और आपकी 5 ट्रांजेक्शन की मिनी स्टेटमेंट होगी। साथ में ये तब पॉसिबल है जब आपका अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो। विदाउट मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड के आप जो है बैलेंस को पता नहीं कर सकते। अब आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने खाते में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कैसे करवा सकते हैं। साथ में अगर इसके अलावा खाताधारक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस नंबर पर भी कॉल करके अपने बैलेंस की जो है जानकारी ले सकते हैं। अब आपको बता देता हूँ कि ऐसे कराए अपने फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड। जहाँ दोस्तों, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ऐसे अपने फ़ोन नंबर को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर जनधन खाताधारक होने के बावजूद आपका फ़ोन नंबर बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। आप 09-22-34-88-88 पर भी मैसेज भेजकर अपना नंबर खाते के साथ रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके लिए आपको REG और स्पेस देना है, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर आपको लिखना है और लिखकर इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। ये ध्यान रहे कि आपका जो मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर्ड करना है वो दूसरे बैंक से रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, एक न्यू नंबर ही इस जनधन खाते पर जो है आपका रजिस्टर्ड होता है। यहाँ दोस्तों, थोड़ा सा सर्वर SBI का डाउन चलता है, इस वजह से आप जो है उसे अच्छे समय में करें और ऑफिस के जो है समय में ही इस जानकारी को जो है ज़्यादातर जो है आप यूज़ करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आपको बता देता हूँ कि अगर आपका आधार कार्ड आपके खाते से लिंक नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड को कैसे लिंक करा सकते हैं। इसके लिए मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो अपडेट की थी, उस वीडियो को आप जाकर के प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं या फिर आपको ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड जो है आपके मोबाइल आपका आधार कार्ड जो है आपके बैंक से लिंक है या नहीं है। अगर आपको लिंक कराना है तो आपको क्या करना है वो जानकारी उस वीडियो में कंप्लीट दी गई है, आप उस प्रोसेस को फॉलो करें और अपने अकाउंट में जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड कर ले। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाले बटन को ऑल के साथ में जो है
दबा दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो जो है आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।